आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा, देवताओं के नजराने में 5% बढ़ोतरी। धर्मशाला पहुंचे सीएम का कांग्रेस पर जोरदार प्रहार। शिमला पहुंची कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का केंद्र पर हमला, बोली सीबीआई दफ्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी समान रखे सरकार। जोगिंद्र नगर के डिगली जंगल में पैराग्लाइडर क्रैश, पायलट की मौत। और धर्मशाला में स्कूली खेलें शुरू, पहले दिन सिरमौर की प्रीति का डंका, एक दिन में जीते 3 गोल्ड मेडल। विस्तृत समाचार एक विराम के बाद। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में दिवाली से पहले ही फूटे पटाखे, देवता भी खुश और इंसान भी प्रफुल्लित। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा के समापन पर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते देने की घोषणा की। यह भत्ता जनवरी 2018 से मिलेगा। मुख्यमंत्री ने देव समाज का भी खासा ख्याल रखा। दशहरा उत्सव पर मिलने वाले नजराने में इस बार 5% की वृद्धि की गई। बजंतरी को 10% भत्ते की घोषणा के साथ ही देवी देवताओं का दूरी भत्ता भी 20% बढ़ा दिया गया। कुछ बातें कही है तो मैं सहानुभूति पूर्वक उन पर भी विचार करूंगा, जो संभव हो सकता वो भी करने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आज के दशहरे के समारोह के अवसर पर मैं आप सबको फिर से धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। ये दशहरा आपका है, इसको आप लोगों ने आने वाले समय में भी इसी प्रकार से उत्साह के साथ मनाना है। सीएम ने गुरुवार को ही मनाली से रोहतांग के लिए हेलीटैक्सी सेवा जॉय राइडिंग का भी शुभारंभ किया। दिन के व्यस्त कार्यक्रम के उपरांत सीएम ने धर्मशाला पहुंचकर राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन भी किया। धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। सीएम ने कहा कि जो लोग मेरे अनुभव और दिल्ली दौरों पर चुटकियां लेते थे, आज जब प्रदेश को 9000 करोड़ आए तो वे भौचक्के हो गए हैं कि आखिर इतना धन कैसे आ गया। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सोच पैसा प्रदेश के लिए नहीं बल्कि जेब में कितना होगा इस पर केंद्रित रहती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जल्द ही धर्मशाला के शीतकालीन प्रवास पर आने वाली है और केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास नवंबर में होगा। चंबा के सिकरी धार सीमेंट प्लांट में सड़क समस्या को भी जल्द हल कर दिया जाएगा। 5 साल के कार्यकाल में एक ही खबर बनी रही है कि आज यहाँ पेशी है, कल वहाँ पेशी है, कल इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति जो है वो इस प्रकार का हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक प्रतिशोध का एक प्रभाव रहा और जिसके कारण जो है हिमाचल को जहाँ विकास की दृष्टि से फोकस करने की आवश्यकता थी वो नहीं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। यहाँ लोकसभा चुनाव पर रणनीति बनाने पहुंची पाटिल ने कहा कि सीबीआई में आजकल जो चल रहा है उससे मोदी सरकार का असली चेहरा सामने आया है। कांग्रेस शुक्रवार को इसके विरोध में सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी। सह प्रभारी गुरकीरत सिंह के साथ शिमला पहुंची रजनी पाटिल ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अध्यक्ष रहेंगे या नहीं, यह फैसला हाईकमान करेगी। गुरुवार को ही शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में शिमला संसदीय क्षेत्र का एक दिवसीय अधिवेशन हुआ, जिसमें 8 सूत्री एजेंडा व ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। अधिवेशन की अध्यक्षता प्रदेशाध्यक्ष सुखिंदर सुक्खू ने की। संसदीय क्षेत्र के विधायक व वरिष्ठ पार्टी नेता भी अधिवेशन में शामिल रहे। कार्यकर्ताओं से चुनावी मुद्दे भी पूछे गए। शक्ति ऐप पर पंजीकरण का कार्य और तेज करने के निर्देश पाटिल ने दिए। सीबीआई के लोगों को जो प्रमुख व्यक्ति है उसको ही
निष्कासित करने का, उसको चेंज करने का, उसको बदली करने का जो प्रोग्राम दो दिन से चल रहा है, भर रात भी 12:30 बजे की मीटिंग बुला के प्राइम मिनिस्टर ने खुद निर्णय ले लिया और मोदी और शाह जो ने ये सब निर्णय CBI में हस्तक्षेप करने का किया है उसके विरोध में हम कल सब हर प्रदेश में, जैसे हिमाचल में शिमला में CBI के ऑफिस के ऊपर हम घेराव करेंगे और प्रोटेस्ट मार्च करेंगे कल 11 बजे। प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि राज्य सरकार को कर्मचारियों के तबादले करते समय समानता अपनानी चाहिए, चाहे कोई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो या फिर प्रथम श्रेणी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने प्रार्थी रतनचंद द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए अपने आदेशों में कहा कि प्रथम श्रेणी के कर्मचारी को भी निर्धारित कार्यकाल से पहले नहीं बदला जाना चाहिए। खंडपीठ ने सचिव शिक्षा के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके तहत प्रार्थी के प्रतिवेदन को खारिज करते हुए हवाला दिया गया था कि प्रार्थी प्रथम श्रेणी कर्मचारी है और इसका तबादला प्रशासनिक आधार पर राज्य के किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि सचिव शिक्षा द्वारा पारित आदेश समानता के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। बीड बिलिंग में पैराग्लाइडरों के साथ हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसे नौसिखिए पायलटों की नासमझी कहा जाए या कुछ, दुनिया के कोने कोने से आ रहे पैराग्लाइडर पायलट या तो बिलिंग एवं साथ लगते क्षेत्रों की आबोहवा को नहीं समझ पा रहे हैं या उन्हें सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है और ये पायलट दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार बुधवार को एक और पायलट की मौत हो गई। बुधवार सुबह 10 बजे ऑस्ट्रेलिया के संजय कुमार रामदास ने उड़ान भरी थी और वह बरोट की तरफ जा रहे थे कि जोगिंद्र नगर के डिगली गांव के समीप जंगल में उनका पैराग्लाइडर क्रैश हो गया। उसके साथी ने भी कुछ देर बाद वहीं लैंड किया लेकिन तब तक संजय की मौत हो चुकी थी। अधिवक्ता की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई के विरोध में दूसरे दिन बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सभी अदालतों का बहिष्कार किया। सरकाघाट के मुख्य बाजार में प्रदर्शन कर पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर चंद वर्मा ने कहा कि जब तक मामले में संलिप्त कर्मचारी को निलंबित नहीं किया जाता और निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती तब तक अधिवक्ता अदालतों में नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को भी अदालतों का बहिष्कार किया जाएगा। लंबे समय के बाद करवा चौथ के बहाने बाजार फिर हुए गुलजार। आइए चलते हैं हमीरपुर और सोलन के बाजार। करवा चौथ को लेकर हमीरपुर के बाजारों में एकदम से रंगीनी छा गई है। दिन भर मीनारी की दुकानों पर महिलाओं की भीड़ जुटी रही है। महिलाओं के लिए बाजारों में करवा से लेकर रंग बिरंगी चूड़ियां पहुंच चुकी हैं। कई दुकानदारों ने तो पूरा स्टॉल ही चूड़ियों से भर दिया है। गांधी चौक से लेकर सब्जी मंडी तक की मार्केट अब महिलाओं की श्रृंगार सामग्री से भरी पड़ी है। मीनारी की दुकान पर खरीदारी के लिए पहुंची मनु भाटिया ने बताया कि करवा चौथ को लेकर वह बहुत उत्साहित है। जगह जगह आप जहाँ भी जाए दुकानों में बहुत रश है, लेडीज के अपने शॉपिंग के लिए। देखिए अब यही देखिए आप कि अपने बैंकर्स का बड़ा ये रखनी है कि हमारी बैंकर्स मैच होनी चाहिए, हमारा जो सूट है वो उसके साथ नेल पॉलिश बिंदी हर चीज का ये कि मैच होना चाहिए। प्रीति सोनी का कहना है कि मार्केट में करवा चौथ व्रत में प्रयोग होने वाला सारा सामान बाजार में उपलब्ध है। तो ये कि पहले से ज्यादा अच्छा है और बढ़िया, व्यापारी बीना कपिल का कहना है कि बाजार में महिलाओं की जरूरत का सारा सामान उपलब्ध है। उधर सोलन शहर में भी महिलाओं व लड़कियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। करवा चौथ पर्व की तैयारियों में जुटी महिलाओं और युवतियों के हाथों की रौनक बढ़ाने के लिए मेहंदी आर्टिस्ट के पास भी खासा रश है। बाजार में चूड़ियों की दुकानों में खासी भीड़ दिखाई दे रही है। साथ ही ब्यूटी पार्लर में महिलाओं को सजने संवरने के लिए विशेष छूट रखी गई है। करवा चौथ पर्व को लेकर बाजार में 60 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की चूड़ियां मार्केट में उपलब्ध हैं। वहीं वर्तमान की बात की जाए तो जहां मार्केट में लगी चूड़ियां और करवे की जमकर खरीदारी की जा रही है, वहीं अधिकतर महिलाओं के रुझान डायमंड और सोने की चूड़ियों की ओर जा रहा है। हम लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं, सारी शॉप पे एक्साइटमेंट है हमेशा की तरह।
खेल नगर धर्मशाला में गुरुवार से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की राज्य स्तरीय अंडर 14 गर्ल्स स्कूली एथलेटिक्स एंड कल्चरल चैंपियनशिप का आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले ही दिन सिरमौर की प्रीति ने लॉन्ग जंप, शॉटपुट और डिस्क थ्रो में 3 गोल्ड मेडल जीत अपने नाम का डंका बजा दिया। वहीं हमीरपुर की पूजा ने 400 मीटर और मंडी की साक्षी ने 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीते। 2 दिन तक आयोजित होने वाले टूर्नामेंट में 11 जिलों के 150 के करीब बेटियां भाग ले रही हैं। इस मौके पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला से स्पोर्ट्स असिस्टेंट राजेश ठाकुर और प्रदेशाध्यक्ष मस्तराम बड़ियाल विशेष रूप से मौजूद रहे। इंदौरा के विजय मेमोरियल स्कूल में गुरुवार को क्रिकेट अकादमी का शुभारंभ हो गया। यह अकादमी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सुषमा वर्मा ने अकादमी के उद्घाटन पर कहा कि इससे क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां ट्रायल शुरू हो चुके हैं और 10 से 15 आयु वर्ग के लड़के लड़कियों का चयन किया जाएगा। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। नालागढ़ में स्थित लोड महावीर नर्सिंग कॉलेज लगातार 14 वर्षों से नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में नाम कमा रहा है। नर्सिंग संस्थान अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणों से लैस है और क्षेत्र के बेहतरीन डॉक्टरों द्वारा यहां पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अजीत पाल जैन और गगन जैन जी के कुशल नेतृत्व में संस्थान सफलता की ऊंचाइयां छू रहा है। पिछले 14 वर्षों में संस्थान की हजारों छात्राएं हिमाचल देश और प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस संस्थान की छात्राओं को देश और प्रदेश के बेहतरीन अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते मणिकर्ण में नेपाल मूल के 2 लोगों से 4 किलो चरस बरामद। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 28 को उपवास रखेंगे प्रदेश भर के शिक्षक, सांसदों का करेंगे घेराव। हेड कांस्टेबल बनेंगे ऑनरेरी ASI, पुलिस विभाग ने तैयार की सूची। IGMC में स्क्रब टाइफस के 4 मामले पॉजिटिव, डेंगू के भी 11 केस। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं रुमेल सिंह की आवाज में यह चंबियाली लोकगीत। थोड़ा री चुंडी पुर दाना दाना मेरी धूप लिए, अब धूप ली रखसम सियाणा सियाणा मेरी धूप लिए। सियाने कन्ने मन किया लाना लाना मेरी धूप लिए, डारी चुंडी पुर अल्लाह अल्लाह मेरी धूप लिए, उपली रखस मोसो जल्ला जल्ला मेरी धूप लिए, अबे जल कने किया लानी गल्ला गल्ला मेरी धूप लिए, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।